नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। माय नेम इज सनी वर्मा और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं वॉरफेयर ट्रेनिंग स्कूल्स इन द इंडिया। हाँ जी, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। कनेक्ट हो जाइए जल्दी से। जय हिंद। सिक्सटी सेकंड का वेट करने वाला हूँ, स्टार्ट कर दूंगा सेशन। नोटिफिकेशन मिल गया होगा आपको क्लास का। व्हाई यू गाइज आर लेट, व्हाई यू गाइज आर लेट। चले दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेकिन स्टार्ट करने से पहले, अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप लाइव क्लासेस घर बैठे अटेंड कर सकते हैं। अब काम की बात दोस्तों, 23 दिसंबर से 23 मार्च तक अचीवर्स बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है अनअकैडमी पर। सारा सिलेबस एनडीए का कवर कर रहे हैं उसके अंदर। अचीवर्स बैच जिसकी स्टार्टिंग डेट थी 23 दिसंबर, 23 मार्च तक ये चलेगा दोस्तों। अभी यहाँ पर छोटी सी गलती, 2021 तक चलेगा ये, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब इसको ज्वाइन करने के लिए आपको लेना होगा प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर ढेर सारे आपको मिलने वाले फायदे। पहला फायदा तो ये कि घर बैठे क्लासेस आप अटेंड करेंगे। दूसरा फायदा ये कि टॉप एजुकेटर्स आपको पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करने में मदद करेंगे। उसी के साथ साथ एग्जाम ओरिएंटेड रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं और लाइव टेस्ट सीरीज है। ये दो ऐसी चीजें हैं, लाइव टेस्ट सीरीज जिससे कि एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन होती है दोस्तों। उसके साथ साथ स्ट्रेटजी डेवलप करने के लिए मेंटर्स हमेशा आपके साथ रहेंगे, एजुकेटर्स हमेशा आपके साथ रहेंगे। टॉप एजुकेटर्स की बात करूं तो अर्पित चौधरी सर और उनके साथ पूरी टीम जो कि आपके पूरे एनडीए सिलेबस को कवर करेंगी। अगर आपने सब्सक्रिप्शन लेना है 3 मंथ्स का तो गाइज उसकी प्राइसिंग इज 4,000 रुपीज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर फ्लैट आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा व्हेन यू अवेल, यू कैन अवेल 10% डिस्काउंट व्हेन यू यूज अ रेफरल कोड टीम अर्पित। टीम अर्पित आपने कैपिटल लेटर्स में विदाउट स्पेस एंटर करना है, ठीक है जी। गॉड ब्लेस यू दोस्तों, गॉड ब्लेस यू। यहाँ पर जैसे ही आप एंटर करेंगे इसको 4000 की जगह यहाँ पर प्राइसिंग हो जाएगी 3600, ठीक है जी, जो आपको पे करना है और पूरा एनडीए का सिलेबस उसमें कवर होगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक अपने फ़ोन में नहीं रखा है अनअकैडमी लर्निंग्स ऐप, आप फटाफट से इंस्टॉल कर लीजिए दोस्तों इसको एंड लेट्स क्रैक इट। पूरा जोश हाई रखना है, पूरी बातें समझ के तब चलना आगे, ऐसे नहीं कुछ भी, ठीक है। अब मैं करता हूँ काम की बात। लेकिन काम की बात करने से पहले आप लोग अनअकैडमी पर जाएंगे, यहां से गोल चूज कर लिया आपने, ठीक हो गया। गोल चूज करके एनडीए कैटेगरी पे चले गए, यहां पर सनी वर्मा एंटर करना है आपने, सनी वर्मा, ठीक है जी। यहां पर सनी वर्मा सर आ गए एंड सर को फॉलो कर लेना है आप लोगों ने। फॉलो करके यहां पर बस एक दो दिन की वेट करनी है, जितना सेलिब्रेट करना है कर लो, अपने फॉर्म वगैरह फिल करने हैं कर लो। उसके बाद मैं लेकर आऊँगा ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स के सेशन, उसके साथ साथ मिसलेनियस जिसके अंदर जनरल नॉलेज में कवर करूँगा, ठीक है। अब जोश हाई पूरा रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फॉलो कर लेना है। दो बैच बार बार आपके सामने आएंगे, विजय और उड़ान, अटेंड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कुछ प्राइसिंग नहीं है इसकी, ठीक है जी। करंट अफेयर्स एंड ज्योग्राफी मेजॉरिटी के अंदर दोनों आते हैं। अगर आप लोगों ने 35-36 क्वेश्चन करके आने हैं आउट ऑफ 50 जो कि करेक्ट होंगे, तो आपने मुझे फॉलो जरूर कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब मैं छोटी सी बात के साथ स्टार्ट करूँगा कि यार जब भी लाइव क्लासेस चल रही होती है ना, तो आंखों के साथ थोड़ा सा दिमाग का भी इस्तेमाल किया करो। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बेफालतू के कमेंट्स करते रहते हैं, ठीक है। ये ऐसे है, ये वैसे, पहले देखा करो उधर लिखा क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं, कुछ भी जोश में मत बोल दिया करो।
अभी क्लास ख़त्म हुई नहीं है सुबह वाली, और कमेंट उस पर दो तीन फालतू के आने शुरू हो गए हैं, ठीक है, तो वो नहीं चलना है। पढ़ाई पर ध्यान दो सभी। हाँ जी दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मेरे पास वो है वॉरफेयर स्कूल्स इन इंडिया। वॉरफेयर स्कूल जानने से पहले, उसकी लोकेशन जानने से पहले वॉरफेयर की बात करते हैं। वॉरफेयर कितने टाइप के होते हैं, आजकल किन किन चीजों के ऊपर। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू सभ्य साची। वॉरफेयर गाइस, वैसे तो कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल, लेकिन फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर जो कि असिमेट्रिकल वॉरफेयर भी आजकल देखने को मिल जाता है। गोरिल्ला वॉरफेयर इज वन टर्म। गोरिल्ला वॉरफेयर की वजह से ही एक टर्म, एक सेइंग बीच में आई थी कि व्हाई बिग नेशंस लूज स्मॉल वॉर्स, वो इसलिए कि स्मॉल वॉर्स के अंदर गोरिल्ला वॉरफेयर उसकी टैक्टिक्स वैरी करती है। वैरी करने के लिए अब हमें होलिस्टिक अप्रोच के साथ दुश्मनों का डटकर सामना करना है। तो असिमेट्रिकल वॉरफेयर, फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर के अंदर कैटेगरी में आते हैं, अदरवाइज कन्वेंशनल एंड द अनकन्वेंशनल। ठीक है जी, कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल के साथ साथ हम देखते हैं कि मॉडर्न टाइम्स के अंदर कितने तरीकों से लड़ाइयाँ छिड़ सकती है। दुश्मन की अगर रीढ़ की हड्डी तोड़नी हो तो कितने तरीकों से तोड़ सकते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ एक अच्छे खासे डेवलप्ड नेशन को कि इकोनॉमी को अगर ख़त्म करना हो तो किन चीज़ों के ऊपर अटैक किया जाए जिससे कि वो बैठ जाए। तो गाइस, मॉडर्न टाइम्स के अंदर सभी देशों के साथ ये प्रॉब्लम्स रहती है कि इंडस्ट्रियल वॉरफेयर, मैकेनाइज्ड वॉरफेयर, न्यूक्लियर वॉरफेयर, काउंटर इंसर्जेंसी, जिसके अंदर आपका असिमेट्रिकल वॉरफेयर इज़ वन पार्ट, जिसको फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर भी कहा जाता है। ठीक है, ये जैसे कि मैंने आपको बताया था, फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर 1975 के आसपास ही लाइट में आया था, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर ने ये बात बोली थी कि वाई बिग नेशंस लूज स्मॉल वॉर्स, उस टाइम पर ही असिमेट्रिकल वॉरफेयर निकल के सामने आया था। गाइस, अब इसको अगर हम सब सेक्शंस में जाएं तो वॉरफेयर कितने तरीकों से लड़ा जा सकता है, वॉरफेयर और काउंटर उसको करने के लिए क्या क्या तैयारी होनी चाहिए। तो एरियल वॉरफेयर, जिसके अंदर एयरक्राफ्ट यूज़ किए जाते हैं, बॉम्बर्स यूज़ किए जाते हैं, जिसके अंदर फाइटर एयरक्राफ्ट यूज़ किए जाते हैं, स्ट्रेटेजिक टारगेट्स उसके अंदर किए जाते हैं, और काउंटर करने के लिए हमारे पास एयरबॉर्न पैराट्रूपर्स उसके अंदर होते हैं। एरियल रिफ्यूलिंग भी आपने देखा है, रफेल के अंदर भी एरियल रिफ्यूलिंग इज़ वन पार्ट। असिमेट्रिकल, असिमेट्रिक का मतलब होता है दोस्तों कि एक बड़ी आर्मी, किसी छोटे सेक्शन के साथ लड़ रही है। अब वो छोटा सेक्शन, उसकी लोकेशन भी नहीं मालूम, उसके लड़ाई करने का तरीका भी नहीं मालूम, उसको हमारी वीकनेस पता है, हमें उनकी वीकनेस पता है, उनको अपनी स्ट्रेंथ पता है, हैं, हमें हमारी स्ट्रेंथ पता है ऑफ कोर्स। तो असिमेट्रिकल के अंदर एक जो फोर्सेस हैं, अपोजिट फोर्सेस, उसमें एक बड़ा सेक्शन इज फाइटिंग विद अ स्मॉल सेक्शन ऑफ फोर्सेस, ठीक है जी, असिमेट्रिकल। बायोलॉजिकल, अब गाइस ये तो काफ़ी ख़तरनाक है, आजकल चल भी रहा है ना, ऐसा क्लेम भी किया था स्टार्टिंग में, क्लेम नॉट क्लेम, एलिगेशंस ऑन चाइना कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल उसने किया है ना, फॉर्म ऑफ कोरोना COVID-19, है ना, तो आपके बैक्टीरिया, वायरस और अदर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को वाटर या एयर के अंदर उन्होंने कंटेमिनेट कर दिया उसको, और वहाँ की फोर्सेस धीरे धीरे बीमार पड़ना शुरू हुई, और फाइनली लड़ने के लिए कुछ सिचुएशन बची नहीं है। और जर्मनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, ऑल ऑफ अ सडन वर्ल्ड वॉर टू के जो हालात बदल दिए,
है ना, जज्बात बदल दिए। वो ऐसे ही हुआ था कि जर्मनी एकदम से रशिया के अंदर एंटर करते ही बीमार पड़ने लग गई थी, हैं, काफ़ी थकना शुरू कर दिया था उसने, तो इस वजह से रशिया उस चीज़ का एडवांटेज उठा के चल गया था और विनर बन गया था। केमिकल वॉरफेयर, केमिकल वॉरफेयर के अंदर दोस्तों टॉक्सिक प्रॉपर्टीज़ के चलते काफ़ी लिथल, जैसे कि अमेरिका ने जापान के ऊपर किया था इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। अब ये बड़ा सॉफ्ट सा है ना, अब ये प्रोसेस तो लंबा हो सकता है, प्रोसेस तो लंबा हो सकता है, और सबसे सेफ तरीका भी है इलेक्ट्रॉनिक। अब आजकल आपने देखा है जो नई भी है उसके नाम से अकाउंट खोल लो, जहर उगलना शुरू कर दो, और जो नई जनरेशन आ रही है भैया बस वो समझेगी कि ये जो बंदा है ये सही कह रहा है, ये लिबरल है ना, ही इज़ द लिबरल। लेकिन लिबरल का जो मतलब होता है ना वो यही कि वो अपने कल्चर से उठ चुका है, अब वो आउटकास्ट की तरह उसको ट्रीट करो, निकालो उसको बाहर, लिबरल का तो ये डेफिनेशन है, ठीक है। और लिबरल लौट के बुद्धू घर को आए वाला सीन ही होता है उनके साथ, वापस यहीं आते हैं। जब भी इलेक्शन होता है तो प्रैक्टिसेस इनकी चेंज हो जाती है, जब कोई एलिगेशन दूसरों के ऊपर ये बड़े आसानी से लगा देते हैं, ये तो ऐसा कर रहे हैं, तो वैसा कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, आपके सोशल नेटवर्किंग को भी मैंने उसमें ऐड कर दिया, उसके साथ साथ रेडियो कम्युनिकेशंस, डिकोडिंग, क्रिप्टोग्राफी, ये सब चीज़ें भी उसी के अंदर मैंने ऐड कर दी, जैमर्स वगैरह भी उसी के अंदर ऐड कर दिए, ठीक है। एंड सैटेलाइट सिस्टम को भी ब्रेक डाउन करना, वो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक के अंदर ही आएगा, ठीक है जी। फोर्थ जनरेशन असिमेट्रिकल, फोर्थ जनरेशन के अंदर आइडियोलॉजिकल नेटवर्क स्ट्रॉन्ग, जैसे कि पाकिस्तान वाले करते हैं कनाडा के थ्रू, यूके के थ्रू, है ना, चाइना वाले करते हैं। फैक्ट दिखाना, विकिपीडिया पर भी फैक्ट उल्टे सीधे छाप रखे हैं, अगर आप कभी जाकर उनको ध्यान से पढ़ेंगे, उसको काउंटर चेक करेंगे तो नहीं भैया। ठीक नहीं है वो, तो इसके अंदर आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर या आइडियोलॉजिकल नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करके, मैंने जैसे कि पहले भी बताया था आपको कि टाइम जरूर लग सकता है इसके अंदर, लेकिन सबसे सेफ तरीका होता है किसी दूसरी कंट्री के अंदर जहर घोलने के लिए। और इंडिया के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जो बाहर की कंट्री में बैठकर इंडिया के अंदर जहर घोलने का काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बात आपको बता दूं कि आपको लग रहा होगा कि सर पता नहीं कैसे टॉपिक लेके आते हैं, सर तो क्या पढ़ा रहे हैं, रेलेवेंट है कि नहीं है। पहली बात तो ये कि जब तक आग अंदर नहीं होगी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए आप सपने देख रहे हैं, आपका गोल क्या है। दूसरी बात, आई हैव जस्ट स्टार्टेड, ठीक है, दूर दूर तक दूसरे एजुकेटर्स नहीं आएंगे, तीन क्वेश्चन भी दूसरे एजुकेटर्स के आ जाए ना तो मैं लाइव छोड़ दूंगा, ठीक है, तीन क्वेश्चन भी दूसरे बंदों के आ जाए तो। एंड आई एम क्लेमिंग, और उतना बड़ा गोल करने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये बात का अंदाज़ा आप लोग भी लगा सकते हैं। ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, मिसलेनियस, उसके साथ साथ मैं आपको बायो के भी कुछ क्वेश्चंस लाइक 125 क्वेश्चंस मैं आपको बायो के भी दूंगा साथ ही साथ, ठीक है जी। तो यार आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। चले दोस्तों आगे चले, चले
आगे चलते हैं सीधा। हाँ जी, ग्राउंड वॉरफेयर। ग्राउंड वॉरफेयर के अंदर आपकी तीन चीज़ें इंक्लूड है, इन्फेंट्री, आर्मर एंड दी आर्टिलरी। इन्फेंट्री, कैवेलरी एंड दी आर्टिलरी। इन्फेंट्री इज मॉडर्न टाइम्स, जिसके अंदर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और एयरबोर्न फोर्सेज इंक्लूड है। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री एंड द एयरबोर्न फोर्सेज, जो हमने सुबह क्लास करी थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था 6 OR आ रही है एंड IWI टार 21 एंड द गलिल। तो मॉडर्नाइजेशन जरूर होनी चाहिए वॉरफेयर के अंदर, दूर से। अच्छा हाँ, उसके अंदर पता नहीं क्या लोगों ने सुना है क्या नहीं सुना है, 6000 मीटर्स की रेंज तो मैंने बोली नहीं है। 600 मीटर्स की दूरी से आप दुश्मन को मार सकते हैं, तो मतलब क्या है? रेंज जो है ना 600 मीटर्स की, उसकी जो आप कमेंट में दो तीन लोग बोल रहे थे कि अरे ये तो 6000 मीटर्स की क्या रेंज है, अरे भाई 600 लिखा था और वही बोला है। बोलने का देसी तरीका था कि 600 मीटर की दूरी से दुश्मन को मार सकते हैं, तो और क्या मतलब निकलता है उसमें से? मतलब तो वही निकलता है। आर्मर्ड व्हीकल के ऊपर मैंने मेन बैटल टैंक अर्जुन, उसके ऊपर मैंने क्लास पहले ही ले ली थी, ठीक है। आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स के ऊपर भी क्लास लेनी है, एक सेशन लेना है कि कौन कौन सी आर्मर्ड व्हीकल है इंडियन आर्मी के पास, उसके ऊपर भी मैं ढेर सारी क्लासेस करने वाला हूँ अभी, ठीक है जी। आजकल आर्टिलरी की भी फॉर्म्स बदल गई हैं, काफ़ी रेंज पर काफ़ी एक्यूरेसी के साथ हिट करना। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री विद मॉडर्न वेपन्स इंक्लूडिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक द नाइट विजन कैमराज और GPS एंड ऑल, ये सब चीज़ें आपका। जय हिंद दोस्तों, मैकेनाइज्ड, जय हिंद त्रयोद, गॉड ब्लेस यू। उसके साथ साथ आर्टिलरी की बात करूँ तो होविट्जर्स, मोटार्स, फील्ड गन्स, रॉकेट आर्टिलरी, ये सब चीज़ें यूज करना इन्फेंट्री में विद दी इन द मॉडर्न वॉरफेयर। ग्राउंड वॉरफेयर की मैं बात कर रहा हूँ, ये ग्राउंड वॉरफेयर की। उसके साथ साथ आपका सरफेस टू सरफेस मिसाइल, जो कि 45 डिग्री की मारक क्षमता, इट मीन्स ट्रेजेक्ट्री, वे के साथ जाकर मारेंगे और लॉन्ग रेंज में जाकर हिट कर सकते हैं, वो तो आपको मालूम ही है। बैलिस्टिक मिसाइल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। गोरिल्ला वॉरफेयर, गोरिल्ला वॉरफेयर हालांकि आइडियोलॉजी इंडिया की ये तो नहीं रही है जैसे चाइना की है, पाकिस्तान की है, टर्की की है, वैसी तो नहीं रही है, लेकिन गोरिल्ला वॉरफेयर का यूज होता आया है। जब पावर किसी और की थी यहाँ पर, तो एंशियंट टाइम से ही गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स यूज की थी इंडियन वॉर हीरोज ने, लेकिन अब इंडिया एक पूरी तरह डेमोक्रेटिकली, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक स्टेट, अब इंडिया के अंदर पूरा का पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के फ्रेमवर्क के सारे लॉ एंड ऑर्डर चले, ये तो कोशिश रहती है, चलती भी है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि कुछ लिबरल्स अपने फायदे के लिए दूसरी कम्युनिटी का यूज़ करते हैं या फिर दूसरे सेक्शन का यूज़ करते हैं, क्लास का यूज़ करते हैं, ट्राइब्स का यूज़ करते हैं, उसके चलते गोरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल अभी भी होता है और उनको काउंटर करने के लिए हमारे पास काउंटर इंसर्जेंसी का इस्तेमाल किया जाता है ना, काउंटर इंसर्जेंसी का। हालांकि यहां पर यह बात समझने वाली है गोरिल्ला वॉरफेयर के अंदर कि बॉर्डर एरियाज पर पेट्रोलिंग कहीं ना कहीं तो नहीं होती है,
हालांकि पूरा बॉर्डर सिक्योर है, पूरा का पूरा इंडिया का फ्रंट लाइन पूरा का पूरा सिक्योर है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी हथियार कैसे आ जाते हैं, हथियार मिल जाते हैं इनको, गोरिल्ला वॉरफेयर करने वालों को हथियार मिल जाते हैं, AK-47, 56, यहाँ तक कि 203 तक भी मे बी मिल जाती है इनको। इंटेलिजेंस दोस्तों, इंटेलिजेंस इलेक्ट्रॉनिक एंड द सिग्नल इंटेलिजेंस इसके अंदर इंक्लूड है। जिसके पास इंटेलिजेंस अच्छी है वो विनर होने वाला है, ये बात तो आप लोगों को मालूम ही है। साइकोलॉजिकल भी एक वॉरफेयर होती है दोस्तों, आपको शायद इसके बारे में कम मालूम हो, हालांकि आप लोग बहुत होशियार हैं, काफ़ी मैच्योर हो गए हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर आपको मालूम है। पृथ्वीराज चौहान जी लड़ाई कैसे हारे थे, पहली लड़ाई जीतने के बाद दूसरे अटेम्प्ट में कैसे फेल हो गए थे, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर वॉज द रीजन। चेंगेज खान भी यही सब करता था, दोनों तरफ से अपना डर बिठा देना सामने वाली पार्टी के दिमाग में, या वो स्ट्रोंग है तो उसका ध्यान वहां से भटका दो, उसका ध्यान दूसरी चीजों की तरफ कर दो, सिविल डिस्प्यूट्स की तरफ उसका ध्यान ले जाओ। पानी की समस्या खड़ी कर दो, कुछ कल्चरल कुछ एथिक्स की बातें खड़ी कर दो कि लीडर्स का ध्यान उस तरफ चला जाए और उसी तरफ उसी टाइम पर अटैक करो। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर 71 में पाकिस्तान भी करना चाह रहा था इंडिया के साथ, बांग्लादेश की तरफ ध्यान करके और फिर इधर से लोंगेवाला एंड बसंतर की तरफ से एंटर करना चाह रहा था। पृथ्वीराज चौहान के टाइम पर भी ऐसे ही हुआ था, इतने कैपेबल लीडर को हरा पाया। मोहम्मद गौरी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की वजह से, आप लोगों ने हॉलीडे मूवी देखी है, स्लीपर सेल का इस्तेमाल, ढेर सारे स्लीपर सेल जो कि फिदाईन जिनको यूज करते हैं वो अपनी लैंग्वेज में वर्ड है ना, सुसाइड बॉम्बर्स, वो भी करने को रेडी है, इंफॉर्मेशन भी गैदर करेंगे, जाकर भीड़भाड़ वाले इलाके में जाकर खुद को मतलब बम ब्लास्ट भी कर देंगे। इंफॉर्मेशन इज सच टूल जिसको प्रोटेक्ट करना ड्यूटी बनती है किसी भी देश की। मुझे कभी कभी ना चिंता होती है, इवन IAS IPS ऑफिसर्स, इवन दी पैराट्रूपर्स अपने नाम के साथ नेम प्लेट के साथ इंस्टाग्राम पे फोटो कर देते हैं यार पोस्ट, सेंसिटिव डाटा को प्रोटेक्ट करना चाहिए, सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज इमेजेस वगैरह अपलोड करके क्या होने वाला है यार, क्या पॉपुलैरिटी, क्या करना चाह रहे हैं, क्या ट्रेनिंग ठीक से नहीं हुई थी क्या आप लोगों के, एनोनिमिटी वर्ड नहीं सिखाया गया क्या कि इंस्टाग्राम पर आकर एनोनिमिटी आपकी गायब हो जाती है। नेवल मॉडर्न वारफेयर के अंदर ही आपके एयरक्राफ्ट कैरियर्स, सबमरीन्स, फ्रिगेट्स, क्रूजर्स, इन सब का इस्तेमाल
नेवल के अंदर। न्यूक्लियर भैया, जब से गाइस एक सेकंड, हाँ जी बिल्कुल होना भी चाहिए। जब से न्यूक्लियर का इस्तेमाल हुआ है, न्यूक्लियर वॉरहेड का इस्तेमाल जब से हुआ है, तब से ये भी कह सकते हैं कि दूसरी कंट्रीज अपनी औकात में है, है ना, जो पहले धमकियां देती थी या घुसने की कोशिश करती थी या फिर अपना लैंड एक्सपेंशन थ्योरीज में बिलीव करती थी, वो अपनी औकात में है। उसी के साथ साथ खतरा उल्टा ये हो गया कि वो चोरी चोरी चुपके चुपके पोजेस करने लगे हैं टू दिस, ये टेक्नोलॉजी अपने पास रखने शुरू कर दी है, जैसे कि इराक ने, जैसे कि लीबिया में भी हुआ था, नॉर्थ कोरिया। खतरा ये है कि यार वो तो सनकी लोग हैं, किसी दिन दो घुट लगाकर उनका मूड बना कि चलो आज मिसाइल लॉन्च कर देते हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड जिस पे लगा लॉन्च कर देते हैं, बटन दबा देते हैं, तो क्या होगा, है ना। तो ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेफ हैंड्स में होना बहुत ज़रूरी है। अगर किम जोंग यून, अगर उसका मन कर गया दो पैग लगाने के बाद कि चल यार बटन ही दबाओ आज, तो फिर तो भैया फिर तो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा सब कुछ। इसलिए वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMDs दे शुड बी इन दी सेफ हैंड्स। अब भैया उसके साथ साथ आप लोगों को मालूम भी है कि इंडिया इज द फोर्थ कंट्री जिसके पास सैटेलाइट सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का की कैपेबिलिटी है इंडिया की, है ना। यार मैं हिंदी में तो बोल रहा हूँ यार, कम ऑन यार, आई एम स्पीकिंग इन हिंदी ओनली। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो स्पेस क्या भी एक वॉरफेयर बनता है। आजकल थोड़ा सा इसका जो स्फेयर है वो कम है। अभी तो इंडिया इज द फोर्थ कंट्री सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, सैटेलाइट नेटवर्क को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और चाइना ने लॉन्च करते ही, मिशन शक्ति लॉन्च करते ही क्लेम करना शुरू कर दिया, एलिगेशंस लगानी शुरू कर दी कि भैया जितना भी स्पेस में डेब्रिस फैला हुआ ना वो इंडिया की वजह से फैला हुआ है। यार व्हाट इज दिस यार, चाइना चोमू चाइना। तो माय डियर फ्रेंड्स, इंडिया इज द फोर्थ कंट्री जिसके पास सैटेलाइट सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का, और सैटेलाइट सिस्टम डिस्ट्रॉय होगा तो कम्युनिकेशन ठप हो जाएगा, कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग द इंटरनेट एंड द नेटवर्क कम्युनिकेशन, पूरा का पूरा नेटवर्क एंड ऑल सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ, कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्कुल बैठ जाएगा। उसी के चलते माय डियर फ्रेंड्स, हमने ग्राउंड का भी किया, ग्राउंड के अंदर जहाँ पर अल्पाइन रीजन्स है, जहाँ पर माउंटेन्स है, सबसे टफ वॉरफेयर कहलाती है माउंटेन वॉरफेयर। इसके अंदर काफ़ी वजन भी, वेट भी काफ़ी कैरी करना है। उसी के साथ साथ दोस्तों, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात भी आ जाती है, सर्वाइव भी करना है यहाँ पर। तो माउंटेन और इंडिया का जो फ्रंट लाइन है, बॉर्डर एरियाज हैं, वो सभी माउंटेन रीजन से ही सराउंडेड है, दोनों तरफ से, चाइना की तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से। तो एक चैलेंज निकल के आता है इंडिया के लिए कि माउंटेन वॉरफेयर के अंदर कैसे अपने आप को एपेक्स पे रखें, है ना। तो उसके चलते हमारे पास हैं इंस्टीट्यूट्स, मेन मुद्दे पे अब हम आए इतना समझने के बाद।
सो ट्राई सर्विस इंस्टीट्यूशंस पहले तो ये समझ लीजिए, पहले तो अपनी एंट्री की बात समझ लीजिए कि एंट्री कहाँ से होनी है। तो एनडीए नेशनल डिफेंस कॉलेज, दी नेशनल डिफेंस कॉलेज, मैं एनडीसी की बात कर रहा हूँ, एनडीए की बात अभी नहीं करी। एनडीसी 1960 में लॉन्च हुआ था। नॉलेज ऑन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एंड द स्ट्रेटजी सीनियर डिफेंस एंड द सिविल सर्विसेज ऑफिसर पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर, जो कि फॉरेन सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, ये सब जाते हैं और वहाँ पर इनको ट्रेन किया जाता है कि फर्दर कौन कौन से अभी कंटेम्प्रेरी इशू हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करनी है, कौन सी चीज़ों पर अड़े रहना है, इनकी हिस्ट्री क्या है। जैसे कि जब इंडिया ने 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो भैया सारे इकट्ठे हो गए, फ्रांस, अमेरिका, चाइना, यूके, और इन्होंने बोला कि चलो चलो एनएसजी बनाते हैं, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बनाते हैं, एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। इनके अंदर सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम थी वो थी अमेरिका को। अमेरिका ने बोला कि ऐसे कैसे इंडिया कोई भी ऐसी कोई मतलब इतनी टेक्नोलॉजी उसके पास कैसे आ सकती है, नहीं इंडिया तो ऐसे करेगा, इंडिया तो वैसे करेगा, फलाना ढिमकाना। तो भैया इंडिया को उसने सैंक्शंस लगा दिया इंडिया के ऊपर, और उसने बोला कि इंडिया को टेक्नोलॉजी मैं तब दूंगा जब इंडिया CTBT साइन करेगा, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। चलिए टाइम के साथ साथ CTBT थोड़ी आउटडेटेड होगी, तो NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इंडिया ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इंडिया अपनी चोर में कि भैया नहीं हम तो करेंगे ही करेंगे। वो क्यों करेंगे? क्योंकि इंडिया के इश्यूज तो इंडिया को मालूम है ना। अब आप हमें दबाना चाह रहे हैं और हम दब जाएं तो ऐसे तो हालात नहीं है ना। तो वहां पर नेशनल डिफेंस कॉलेज के अंदर ही ये सारी चीज़ें बताई जाती है, क्या हिस्ट्री है, कहाँ पर हमें अड़े रहना है, हमारी नेशनल इम्पोर्टेंस, नेशनल सिक्योरिटी के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, वो सभी चीज़ें NDC में। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, दी इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद वॉज एस्टेब्लिश इन 1970 टू इम्पार्ट मॉडर्न साइंटिफिक मैनेजमेंट ट्रेनिंग टू द आर्म फोर्सेज ऑफिसर। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, द डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन इज अ प्रीमियम ट्राई सर्विसेज ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू द मिडल लेवल ऑफिसर्स मेजर्स एंड द इक्विवेलेंट टू द थ्री विंग्स ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज एंड द इंडियन सिविल सर्विसेज। वेरी गुड आफ्टरनून, ठीक है जी। चलिए मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिलिट, इंटर सर्विसेज टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया कंडक्ट डिफेंस सर्विसेज एंड ट्रेन फोर्सेज एंड ऑफिसर्स फ्रॉम फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज फॉर कमांड एंड स्टाफ अपॉइंटमेंट्स। इसके साथ साथ आपके कमीशन के लिए या कमीशनिंग के लिए आपका NDA के बारे में आप सभी जानते हैं, आप लोग यहीं जाना चाहते हैं, जोश हाई होना चाहिए, नॉलेज पूरी होनी चाहिए, थोड़ा मैच्योरिटी लेवल भी आपको इंक्रीज करना है अपना, ठीक है। अभी सभी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स के साथ साथ पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको इंडिया की सिचुएशन का भी मालूम होना चाहिए, कहाँ से हम कौन किन सिचुएशन से निकल के आए हैं, किस तरफ हमें जाना है, वो क्लियर कट यहाँ पर आपको पिक्चर बना लेनी चाहिए अभी इसी वक्त, ठीक है। बच्चों जैसी हरकतें अब नहीं चलेगी माय डियर फ्रेंड्स, यू गाइज आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड थिंग्स, ठीक है। यू गाइज आर मैच्योर इनफ टू टेक राइट डिसीजन, यू गाइज आर मैच्योर इनफ टू एक्ट स्ट्रांगली, इसलिए गिव मी अ लाउड चीयर फर्स्ट ऑफ ऑल। हाउ्स द जोश जेंटलमैन, गिव मी अ लाउड चीयर। Give me a loud cheer.
यू गाइस आर विद मी, बहुत बढ़िया। पंडित जी आ गए हैं और पंडित जी शरारतों में लग गए हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस ट्रेनिंग स्कूल एंड डेपो, लाइक का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए, लाइक कर दीजिए। पुणे सेट अप इन 1942, द इंस्टीट्यूट कंटिन्यूज टू ट्रेन इंटेलिजेंस प्रोफेशनल्स ऑफ द थ्री सर्विसेज एज वेल एज फ्रॉम द पैरामिलिट्री फोर्सेज, सिविल एजेंसीज एंड द फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज, जैसे कि आपके भूटान। प्री कमीशन एंड द पोस्ट कमीशन की अगर हम बात करें तो जेंटलमैन, मैं बिल्कुल स्क्रीन के सामने से हट गया हूं, बिल्कुल क्लियरली देखिए समझिए और लाइक यहां पर बनना चाहिए, जोश हाई होना चाहिए, आंखें खोलनी चाहिए आप लोगों को अभी इसी वक्त अपनी। गाइस इसके साथ साथ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो कि आर्मी वॉर कॉलेज के नाम से मध्य प्रदेश महो के अंदर है, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर जो कि गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में, काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल जो कि आपके वाई रैंगते मिजोरम के अंदर, इसके साथ साथ कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग। नाउ दिस इज आर्मी वॉर कॉलेज। And this is High Altitude Warfare College, Warfare School, Gulmarg. Guys, इसका मैंने आपको गेट नहीं दिखाया, एंट्री गेट नहीं दिखाया। दिस इज द जंगल वॉरफेयर स्कूल वाई रैंगते, फाइट द गोरिल्ला लाइक अ गोरिल्ला। और सनी देओल जी ने भी पुरानी मूवी में कहा था, जानवर को मारने के लिए जानवर बनना पड़ता है बाबूजी, है ना, तो वो बात तो सच है। इसके साथ साथ आर्मी ट्रेनिंग कमांड एट शिमला, और 2020 के अंदर टूर ऑफ ड्यूटी भी स्टार्ट किया था इंडियन गवर्नमेंट ने, जिसके अंदर वॉलंटरी रिक्रूटमेंट सिविलियंस के लिए, शॉर्ट टर्म सर्विसेज 3 साल की नौकरी के लिए, ठीक है जी, 1000 जवान्स वेलकम है। सो गाइस ये था हमारे पास आज, जिसके अंदर हमने ट्रेनिंग एंड वॉरफेयर स्कूल्स को हमने पढ़ा, देखा, समझा। इसके साथ साथ क्या टेक्निक्स यूज होती है वॉरफेयर के अंदर वो भी हमने देखा। आई होप आप सभी को मजा आया होगा, आई होप सभी ने अच्छे से देखी है, चीजें समझी है, सभी का जोश हाई हुआ है। मेन सिलेबस पर हम आएंगे एनडीए एंट्री के लिए। दोस्तों रास्ता बहुत लंबा तय करना है अभी हम लोगों ने, जोश रुकना नहीं चाहिए, जोश कम नहीं होना चाहिए, आप लोग थकेंगे नहीं, चलते रहेंगे और इसी तरह से क्लासेस अटेंड करते रहेंगे। चले दोस्तों, आई विल सी यू लेटर, दूसरी क्लासेस में लेके आऊंगा आपके लिए। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।